कैंसर एक समय में लाइलाज बीमारी हुआ करता था, लेकिन विज्ञान की तरक्की के बाद इसका भी इलाज संभव हो पाया, लेकिन इसका खर्च अत्यधिक होने के कारण गरीब मरीज परेशान होते हैं। इस बीच नेपाल के एक होम्योपैथिक चिकित्सक उपेंद्र शाह ने करीब 25 से अधिक कैंसर मरीज को होम्योपैथी उपचार के माध्यम से कैंसर का इलाज कर जीवन दान दिया है। उन्होंने कई गंभीर बीमारियों में नया शोध कर सफलता हासिल करके होम्योपैथी उपचार में एक क्रांति ला दी है। हाल ही में एक कैंसर मरीज को दूसरा जीवन दान दिया गया। मृत्यु पर विजय पाने वाले नेपाल के सप्तरी जिला हनुमान नगर कंकालनी नगर पालिका भारदह निवासी 44 वर्षीय प्राध्यापक पुष्पेंद्र यादव है। 3 वर्ष पूर्व प्रोस्टेट की समस्या हुआ था। पेशाब का समस्या को लेकर बीपी कोयराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में दिखाया, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। उसके बाद मरीज ने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद जब बायोप्सी जांच करवाया तो कैंसर का लक्षण पाया गया। डॉक्टर ने 8 बार केमो चढ़ाने की बात कही। वे 7 बार केमो चढ़ाया भी, लेकिन स्थिति और भी खराब हो गई। 7 बार केमो चढ़ाने के बाद उनका शरीर सुन्न हो गया तथा कैंसर भी 4th स्टेज में पहुंच गया था। चिकित्सकों ने चितवन कैंसर अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। परिवार वालों ने चितवन कैंसर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दिया कि रोगी चंद दिनों का मेहमान है। फिर भी तसल्ली के लिए हरसिद्धि कैंसर अस्पताल काठमांडू ले जाने की सलाह दी। परिवार वालों ने रुपया जब तक है सांस तब तक का आसरा मानकर काठमांडू हरसिद्धि कैंसर अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने भी इसे भर्ती करने से मना कर दिया। परिवार वालों ने भगवान पर ही भरोसा कर उसे घर लिया। घर पर किसी ने जनकपुर धाम बेला स्थित होम्योपैथी चिकित्सक उपेंद्र शाह के बारे में जानकारी दी। परिवार वालों ने भरे मन से होम्योपैथी चिकित्सक उपेंद्र शाह से मिलकर परामर्श ली। डॉक्टर साहब ने अपने शोध पर विश्वास कर मरीज का उपचार शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप एक सप्ताह बाद ही उनके स्वास्थ्य और पेशाब में सुधार होने लगा। शरीर का सूजन भी खत्म होने लगी। कांतिहीन चेहरा में चमक आ गया। कमजोरी दूर हो गई। 6 महीने के इलाज के बाद वह पूर्णतः ठीक हो गया। जनवरी में बायोप्सी करवाया तो रिजल्ट निगेटिव निकला, लेकिन उसे भरोसा नहीं हुआ। उसके बाद दरभंगा स्थित लहरिया सराय के शर्मा डायग्नोसिस तथा काठमांडू में बायोप्सी करवाया, दोनों जगह नेगेटिव ही निकला। 2 बच्चों के पिता पुष्पेंद्र यादव अब काफी खुश है, पुनः अपनी अध्यापन पेशा में लग गए हैं। वे डॉक्टर साहब को भगवान मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर उपेंद्र साहब मेरे लिए भगवान है जो मुझे मृत्यु से उबारा है। इससे पहले भी डॉक्टर उपेंद्र शाह ने किडनी फेलियर तथा डायबिटीज रोगियों को भी होम्योपैथी इलाज से ठीक किया है। वही क्लिनिक पर कैंसर से पीड़ित कई मरीजों के परिजन ने बताया कि कई प्रतिष्ठित कैंसर अस्पताल से जवाब मिल गया है, लेकिन यहां आने के बाद नई उम्मीद और पुनर्जीवन दान का आज जगह है। इन्हें भारतीय दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। डॉक्टर साहब बताएंगे, जैसे अभी एक मरीज आपका मिला है, उन्होंने मरीज का जो परिजन है वो बता रहे हैं उनको कहीं और जो है जवाब दे दिया गया था कि पेशेंट नहीं बचेगा, कैंसर हो गया है, लेकिन आपने उस पे किस तरह उपचार किया जो पेशेंट अभी चल रहा है और कितने कामयाबी इस तरह का आप जो है हासिल करके लोगों के घर में खुशियां लाए हैं। हम 1982 ईस्वी से इसमें लगे हुए हैं जी, और इसमें कम से कम हम अंदाज करते हैं जो मैंने समझिए जो 20 से 25 तक का जो हम क्योर कर चुके हैं जी। लेकिन उस टाइम में तो बैक सिस्टर नहीं था, नहीं वो तो बम्बई जाना पड़ता था जी। यहाँ क्लिनिक जो हमने स्टार्ट किए हैं 2046 साल से जी, तो उसके बाद में जो है सो ज्यादा हम इस पर और ज्यादा ध्यान देने लगे हैं जी। आप भरतपुर में हुआ है आपको 2056 साल से यहाँ कैंसर हॉस्पिटल इंडिया का कितना वर्ष हुआ है? इंडिया में 1982 में एडमिशन करवाया और हम आइन से जो है सो किए हम जी। जो मर रहा है आदमी इलाज होता है कुछ नहीं जी, इसमें है बुक में सब उल्लेखित है होम्योपैथी मेडिकल या मेडिकल। उसके बाद में रिसर्च से पेशेंट सब मिला उसको क्योर करते चले गए। मतलब आप खुद रिसर्च किए? हाँ खुद किए हैं। जो उनका जो बीमारी का लक्षण था वो देख के आप उस पे रिसर्च किए? हाँ मेडिकल में लिखा है वो जो लक्षण सब है उसको इलाज देकर क्या फायदा है होम्योपैथी मेडिकल से। सिम्टम को सिलेक्शन कीजिए, मेडिसिन का सिलेक्शन कीजिए और इलाज कीजिए। तो आप कैसे ठीक करते हैं पेशेंट को? कैसे ठीक करते हैं जी? सिम्टम का सिलेक्शन करते हैं और मेडिसिन देते हैं। कौन सा मेडिसिन देते हैं आप? वो रिसर्च जो किया है वो अभी फ्लैश नहीं करें, गवर्नमेंट आ गए ना हमारे पास। मतलब ये होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं, उससे आप ठीक करते? हाँ, उससे ठीक करते हैं। तो कितने सालों का जो लोगों के बीच में जो ये खुशी मिल रही है इससे आपको क्या लग रहा है? अब इससे क्या लग रहा है, सप्तरी का पुष्पेंद्र यादव प्रोफेसर साहब है, उनका इलाज किए भरतपुर में 700 जो है तो केमो चढ़ा था जी, था जी तो केमो चढ़ा वहाँ, जवाब दे दिया, कहा जो ये नहीं बात नहीं लिए जानूस नहीं बचेगा, तो पॉजिटिव से निगेटिव हो गया जी। तो विश्वास तो बन गया। अभी सबसे अधिक कैंसर पेशेंट है आपको
सप्तरी में, सप्तरी में उनको देखने के बाद में सबको नजर खुल गया, जो बायोप्सी टेस्ट होने के बाद में निगेटिव हो गया तो डॉक्टर उपेंद्र साहब इनको छोड़ा सकते हैं। उस हिसाब से अभी एक दर्जन से ऊपर है सप्तरी का पेशेंट, फिर इधर भी है, तो अब कितना हम काउंट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो मरीज है उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम चाहते हैं जो जो नहीं ठीक होता है अभी हमारे पास में उसको हम ठीक भी कर रहे हैं, ठीक भी कर देंगे। ठीक है ना, अभी आपको उर्मिला देवी ठाकुर है, आपको क्या कहते हैं दिल्ली का जो है राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, वहाँ से रिटर्न होकर गई है, उसका जो है बिना ऑपरेशन का ठीक हो जाता है, बिना ऑपरेशन का जो ब्रेन में है कैंसर, ब्रेस्ट में भी है और रीढ़ का हड्डी सब में भी फैल गया हुआ है, काबू नहीं बचेंगे। अच्छा आप जो है वो अभी ठीक है पोजिशन का, आप जो अभी तक कौन कौन सा बीमारी में सबसे ज्यादा उपलब्धि आप पाए हैं? हम तो देखिए पैर का तरबा से लेकर गया ऊपर तक जो है जो किए, सबसे ज्यादा आपको जो सफलता मिला जनरल तो हम सब में किए, लेकिन वर्ल्ड में जो है सो मेडिकल साइंस, सब मेडिकल साइंस फेल कर गया हुआ है कैंसर में, कैंसर ठीक नहीं होता है चौथा स्टेज वाले सब, थर्ड स्टेज वाला सबको भी नहीं ठीक होता है, लेकिन सरकार तो उसके पीछे लगा हुआ है जो कहीं हो जाएगा कि ठीक होता नहीं, हम तो ठीक कर चुके हैं। कैंसर का कितना पेशेंट को देख चुके हैं अभी तक जो ठीक ठाक चला है? ठीक हो गया हुआ हमको अपना दिमाग से जो है सो 25 से कम को नहीं हम ठीक किया, 25 से ऊपर ठीक हो गया। गवर्नमेंट जो है सो यहाँ जो है तो आप लोग तो क्या पत्रकार लोग, गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा धरोहर है ना, जी जी अंगरक्षक है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कभी केयर नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट अनसक्सेस गवर्नमेंट है यहाँ का, मतलब सरकार इस पर ध्यान नहीं देता, नहीं ध्यान देता है, सब उठा खा सब जाता है सरकार में। अच्छा क्या कहना चाहेंगे ऐसे सरकार के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार चाहते हैं जो सरकार आप करे या नहीं करे, हमारा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य हम कर रहे हैं, सरकार से अधिक पर है ना जी जी, सरकार हम सरकार से जूनियर हैं, बिल्कुल सीनियर हैं उन लोगों से, वर्ल्ड का टॉप काम करके हम देख लाए हैं, कैंसर किडनी आपको क्या कहते हैं शुगर, शुगर छूटा है किसी जगह? कोई डॉक्टर छोड़ाया है शुगर अभी तक? हम छोड़ाए हैं, लीजिए ना इंटरव्यू दा करके, पेशेंट यहाँ भी है बाहर भी, बिहार सब जगह है, जैसे HIV है, HIV का कोई बहुत बड़ा दवाई तो नहीं है इसमें, है हम कर चुके हैं HIV का भी इलाज, मतलब लगभग लगभग जो गंभीर बीमारी है उसका इलाज करते हैं, हम भीड़ में तभी होम्योपैथी का नाम चर्चा लगा ना लोग, अनभाइलेंट किया हुआ है मेटेरिया मेडिका में 20% क्या कहते हैं पढ़ाई में 20% है सिलेबस में, 80% कहाँ चला गया उसमें, बिहार राजनीति लगा हुआ उसमें काउंसिल में लगता है कि हमको वो एलोपैथी डॉक्टर सब होंगे, इसमें पढ़ाई में लागू कर दिया हुआ है, डॉक्टर को मजबूर कर दिया हुआ है होम्योपैथी डॉक्टर सबको। आपका परिचय डॉक्टर साहब? क्या आपका परिचय नाम? परिचय तो वही है, मेरा डॉक्टर नाम हुआ मेरा डॉक्टर उपेंद्र साहब, हम सिराहा जिला का थे गांधी सखनारी पुराना, और वार्ड नंबर 5। आपका क्लिनिक कहां पे है? अभी जो है सो हम बेलापुर पर है, बेलापुर पुल के पास। हाँ भले हम जानकी मंदिर के पास में थे, तो यहाँ आए हैं स्वतंत्र होकर के काम कैसे करेंगे, जनता सेवा कैसे करेंगे, उस हिसाब से आए हुए, जो पूरे वर्ल्ड में आएगा मेरा नाम उस हिसाब से काम कर रहे हैं हम। ठीक है धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।